नमस्कार प्यारे बच्चों, एक भर्ती आई है जिसको YouTube पर भी बार बार विभिन्न सारे यूट्यूबर्स के द्वारा बताया जा रहा है। इसे शॉर्ट में GRS के नाम से जानते हैं, ग्रामीण रोजगार सेवक के पद पर यह भर्ती आई हुई है। अब दोस्तों, ये भर्ती ऑल इंडिया लेवल है। आपको ये जानना जरूरी है कि इसमें कैसे सिलेक्शन होगा, कितनी एज है, क्या क्या इसमें फॉर्म फिलअप होंगे, तो डॉक्यूमेंट्स चाहिए, कैसे फॉर्म आपको इसमें फिलअप करना है, बोर्ड पर ध्यान दीजिए। शानदार भर्ती रहेगी दोस्तों आपके लिए। यह है ग्राम रोजगार सेवक नई भर्ती, या फिर ग्रामीण रोजगार सेवक नई भर्ती से आप लोग कह सकते हो। GDS की तरह ही यह GRS भर्ती है। आपको बता दूं कि 10th-12th के मार्क्स से इसकी मेरिट बनेगी, और किसी भी तरह कोई भी एग्जाम्स नहीं है, बिना परीक्षा डायरेक्ट ये भर्ती हो रही है। साथियों, आपको बता दूं कि इसका फॉर्म ऑफलाइन आपको भेजना पड़ेगा स्पीड पोस्ट के माध्यम से। ऑफलाइन फॉर्म कुछ इस तरीके का है, इसको भरना है, एंड कहां भेजना है वह आपको जब नोटिफिकेशन डाउनलोड करोगे ना आप, उस जगह एड्रेस मिल जाएगा। तो एड्रेस देखने के लिए ऑफिशियली नोटिफिकेशन जाइए। ऑफिशियली नोटिफिकेशन टेलीग्राम चैनल पर है एंड व्हाट्सएप चैनल पर भी है, तो अभी तक आप नहीं जुड़े तो वहां से डाउनलोड कर लेना। साथियों, फीस तो इसमें कोई भी लगने नहीं वाली, फ्री में फॉर्म अप्लाई होगा। एज 18 से 40 वर्ष रखी गई है, और एज की गणना 1 अगस्त 2024 से हो रही है, यानी कि 1 अगस्त 2024 तक आप 18 वर्ष के कंप्लीट हो रहे हो तो भर देना। ओबीसी 3 साल की छूट है, SC ST को 5 साल की छूट है, और PH कैटेगरी 10 वर्ष की छूट है एज में, ठीक है। अब दोस्तों, विभाग है पंचायती राज, तो पंचायती राज विभाग के ही अंदर यह भर्ती रहेगी। क्वालिफिकेशन दोस्तों 10+2 है, 12th पास चाहिए, कंप्यूटर का नॉलेज होना चाहिए, और जिस जगह से ये भर्ती आई है वहां का लोकल लैंग्वेज वाला आपके पास ज्ञान होना जरूरी है। सिलेक्शन 10th और 12th के मार्क्स के अकॉर्डिंग होगा, जितनी आपकी परसेंटेज है उससे फाइनली मेरिट बनेगी। जिस तरह GDS का प्रोसेस है ना, सेम टू सेम वही इसमें है दोस्तों, ठीक है। मेरिट वगैरह फॉर्म आपको भरना पड़ेगा, फॉर्म में आपका न्यू पासपोर्ट साइज कलर फोटो चिपका लेना, उसमें जो जो चीज मांग रहा है, आपका नाम, फादर्स नेम, मदर्स, जो भी डिटेल्स वो भर देना। फॉर्म तो आपको लगाना ही लगाना है, उसके साथ आपकी कास्ट का सर्टिफिकेट सेंटर वाला, 10th की मार्कशीट की फोटोकॉपी, 12th की मार्कशीट की फोटोकॉपी, PWD सर्टिफिकेट, डोमोसाइल सर्टिफिकेट, और कंप्यूटर का कोई सर्टिफिकेट है अगर आपके पास तो वो लगा देना, ठीक है। ये सब लगाना, एंड आपका मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी भी आपको देना पड़ेगा। कैटेगरी वाइज वैकेंसी की जानकारी ले लेते हैं। मेल फीमेल जनरल पुरुष अभ्यर्थी 33 पोस्ट है, फीमेल की 17 है। SEVC मेल 10 और फीमेल 5 वैकेंसी है। SC की मेल 16 और फीमेल की 8 वैकेंसी। ST कैटेगरी 24 मेल फीमेल 12, और टोटल 73 तो पुरुष अभ्यर्थियों के लिए है, और 4 वैकेंसी फीमेल अभ्यर्थियों के लिए है। वेतन इसमें फिक्स है नहीं दोस्तों, वैसे 8,500 ऑफिशियल नोटिफिकेशन में दे रखा है, लेकिन इसका वेतन ठीक ठाक से मिल जाता है, आपका काम चल जाता है। तो ये भर्ती है दोस्तों जो बार बार यूट्यूब पर बताई जा रही है, इसका सच ये है, बाकी आप खुद से एक बार नोटिफिकेशन पढ़ लो। जॉब लोकेशन की बात करें साथियों, कि जॉब आपकी कहां लगेगी, जॉब लोकेशन दोस्तों उड़ीसा है, तो उड़ीसा से ही आपको फॉर्म अप्लाई करना होगा, उड़ीसा ही जाना पड़ेगा, और उड़ीसा में नौकरी लगेगी, और फॉर्म तो आप कहीं से भेज सकते हो। ऑल इंडिया भर्ती है, और मेल फीमेल दोनों के लिए है, बिना परीक्षा ये भर्ती है, कोई भी इसमें एग्जाम्स नहीं होगा, तो इसमें आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। ये ऐसी भर्तियां हैं दोस्तों जिसमें आप आसानी से नौकरी पा सकते हो। देखिए साथियों, यह फाइनली नोटिफिकेशन में आपको बता रहा हूं, जो नोटिफिकेशन आया हुआ है, आपको बता दूं कि यहाँ पर नाम दिखाई दे रहा है, पोस्ट ऑफ ग्रामीण रोजगार सेवक GRS, इसके रिलेटेड ये भर्ती है, और डिस्ट्रिक्ट है खंडवाल, ठीक है, खंडवाल डिस्ट्रिक्ट ओडिशा से यह भर्ती आई हुई है। नंबर ऑफ टोटल वैकेंसीज 125 इसमें बताई गई है, और इसमें दोस्तों मनरेगा के तहत ये भर्ती है। इसमें जो आपको मंथली इनकम दी जाएगी वो 7,000 के समथिंग रहेगी, देन इसमें एक ईयर लेस देन 6 ईयर्स के बाद आपको 8,500 पर मंथ दे, फिर गेट 8,880 पर मंथ आफ्टर सक्सेसफुली वर्किंग फॉर मोर देन 6 ईयर्स, दी लास्ट डेट ऑफ सबमिशन एप्लीकेशन। इसके फॉर्म के बारे में बता रखा है कि 24 अक्टूबर तक आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हो, और आपको बता दूं कि आप वेबसाइट पर विजिट करें kandwal.odisha.com। ये ओडिशा के अंदर भर्ती है, लेकिन दोस्तों ये अलग अलग डिवीजन वाइज, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट वाइज ये भर्ती आई हुई है, और इसमें जो जानकारी है वो एक बार खुद से आप लोग पढ़िए, ठीक है। सिलेक्शन प्रोसेस वगैरह वो सब कुछ जानकारी इसमें दे रखी है, तो फाइनली इसका नोटिफिकेशन मैं टेलीग्राम चैनल पर डाल दूं, तो फाइनली मैं इसका नोटिफिकेशन टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा, ठीक है। इसके फॉर्म सितंबर से भरे जा रहे हैं, और लास्ट डेट अक्टूबर है, तो खूब
तो अब ज्यादा समय नहीं है, भर देना इसी महीने, ठीक है। आपको इसमें जॉब लोकेशन के बारे में बता रखा है, नंबर ऑफ कैटेगरी वाइज वैकेंसी के बारे में भी जानकारी बता रखी है, और तो वो मैंने बोर्ड पर आपको बता दी है। बाकी दोस्तों इसमें आप क्वालिफिकेशन देखिए, क्वालिफिकेशन के बारे में इन्होंने साफ साफ दे रखा है कि 10+2 तो होनी ही चाहिए, उसके अलावा कंप्यूटर का नॉलेज भी मांगा गया है, ओडिशा लोकल लैंग्वेज का ज्ञान होना चाहिए, वो सब यहाँ पर इन्होंने मांगा है। ओडिशा की लैंग्वेज होनी चाहिए आपके पास, कंप्यूटर सर्टिफिकेट के रूप में आपके पास नॉलेज तो होना ही जरूरी है। और दोस्तों बाकी एज लिमिट के बारे में देखिए, मिनिमम एज तो आपकी 18 वर्ष इन्होंने रखी है, लेकिन मैक्सिमम एज 40 वर्ष है, और 1/8/2024 से एज की गणना इसमें की जा रही है। आरक्षित कैटेगरियों को इसमें छूट दी गई है, जैसे कि एससी एसटी एसबीसी को 5 वर्ष की छूट है, इसमें 10 वर्ष की छूट है, पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स को ओबीसी को भी इसमें छूट दी गई है। तो एक बार आप नोटिफिकेशन डाउनलोड कर लो। एंड दोस्तों सिलेक्शन क्राइटेरिया के बारे में भी इन्होंने बता रखा है कि 10+2 के मार्क्स के अकॉर्डिंग इसमें फाइनली मेरिट आपकी बनेगी, और 4th नंबर का जो ऑप्शनल सब्जेक्ट है ना उसके मार्क्स इसमें नहीं जुड़ेंगे, तो वो सब देखिए। एंड दोस्तों इसमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स इसमें अटैच करने हैं फॉर्म के साथ साथ, तो आपकी 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट, सेल्फ अटेस्टेड सर्टिफिकेट फॉर क्वालिफिकेशन 10th, एक बार काम करना फोटोकॉपी लगाना, ठीक है, और आपका असिस्टेंट वगैरह कर लेना, कंप्यूटर का कोई कोर्स वगैरह किया है तो उसका लगा लेना, आप जो है रेजिडेंस का डोमिसाइल सर्टिफिकेट लगा देना, कास्ट सर्टिफिकेट, ठीक है, ये सब आप लगा देना, पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ तो आप फॉर्म में लगाओगे ही। हाउ टू अप्लाई, दोस्तों इसमें ऑफलाइन फॉर्म आपको भेजना पड़ेगा, और ऑफलाइन फॉर्म कहाँ भेजना है वो एड्रेस एक बार आप लोग देख सकते हो, ये एड्रेस दिया हुआ है, और इस डेट के भीतर भीतर इसको आप भेज दिए, ठीक है, स्पीड पोस्ट के माध्यम से भेज देना, और इसी एड्रेस पर भेजना, ठीक है। फॉर्म कहाँ मिलेगा तो फॉर्म भी अभी मैं बता रहा हूँ, ठीक है, फॉर्म ही आप एक बार देख लीजिए, इसमें ओरिजिनल सर्टिफिकेट मत भेजना, ठीक है, और इसमें फॉर्म आप देखिए, इसमें आपका नाम डाल देना, आपका फादर हस्बैंड नाम डाल देना, परमानेंट एड्रेस, उसके बाद इसमें फोटो चिपका देना, ठीक है, जो जो मांग रहा है ना इसको भर देना, कोई समीक्षा आए फॉर्म में तो आप मेरे से एक बार पूछ लेना इंस्टाग्राम पर, 10th की मार्कशीट का वो डाल देना, पासिंग ईयर टोटल कितने मार्क होने हैं वो सब यहाँ पर, आपके क्वालिफिकेशन के अनुसार जो जो आपने कर रखा है, ठीक है। तो ये फॉर्म भी मिल जाएगा दोस्तों टेलीग्राम चैनल पर, तो 11 फेसेज का ये नोटिफिकेशन है, जो भी इस भर्ती में फॉर्म अप्लाई करना चाहता है वो भर सकता है।